ओम शांति। 29/3/2022 के महावाक्य, आज का स्लोगन बाबा ने कहा, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। साथ साथ बाबा ने कहा, दिन में शरीर निर्वार्थ कर्म करते सुबह को अमृत वेले बाबा को याद करो, अर्थात बाबा से रूर ध्यान करो, बाबा से बातें करो। फिर बाबा ने कहा, विकर्मों माया के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना, नहीं तो क्या होगा सोच लीजिए। और बाबा के महावाक्य सुनने के बाद फिर आप देखना आपने राइट आंसर दिया या कौन सा। मीठे बच्चे, जितना प्यार से क्या करना है, प्यार से अशोक भाई, प्यार से यज्ञ की सेवा करो, उतना ही कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। क्वेश्चन, अपनी को सदा सुखी खुश रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? सदा हम खुश रहें उसके लिए भी युक्ति चाहिए, तभी तो बंधनों से मुक्ति मिलेगी और खुश रहेंगे। आंसर है, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, माया की तरफ बुद्धि जाएगी नहीं, इधर उधर बुद्धि जाएगी नहीं, बाबा की सेवा में बिजी हैं तो खुश रहेंगे ही, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए, जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन प्यार से सर्विस करो, ऑनेस्ट बन प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है, कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने कहा वक्त जा रहा है, किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। यह है बेहद की बात, मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर लें, इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करें। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, बाबा जो परिभाषा बताते हैं वानप्रस्थी की, माना विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना, इसलिए सत्संग में जाते हैं। सत्युग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, अब ही बाप से वर्षा ले लो। वो लोग साधु संगत तो करते हैं परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखें, बाकी पाप कम होते हैं, बड़ा पाप तो होता है विकारों का। धंधा धोरी छोड़ देते हैं, आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है तो विकार को छोड़ते ही नहीं। 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं, अभी यह रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। वापिस चलने में थोड़े दिन हैं, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा धोरी आदि कर्म तो करना ही है क्योंकि तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बूढ़ियों को ही याद करना है, नहीं, सबका मौत अब नज़दीक है। ये शिक्षा सबके लिए है, छोटे बच्चों को भी समझाना है, हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं, बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है, फिर शिक्षा लेने के साथ साथ सर्विस एबल बनने से बंधन आपे ही छूट जाएंगे, घर वाले आपे ही कहेंगे तुम भल सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे,
या माई रखेंगे तो उसमें उनको भी फायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती है हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं। रजौरी में हमारी एक उमा बहन और कैलाशपति युगल थे, उनके 5 बच्चे थे, 4 लड़कियां, 1 लड़का, और बहुत ही अच्छी सर्विसेबल हैंड्स थी। आशा दीदी के साथ वो VIPs के पास जाती थी सेवा के लिए, 3-4 भाषाएं आती थी उनको। तो वो बाबा कहते हैं तो उनके पति छुट्टी देते थे और आपस में भी बच्चे लोग कहते थे हम घर में रहेंगे, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और आप जाओ सेवा के लिए। तो बच्चे हैं, पति हैं, घर के कोई भी संबंधी, अगर बाबा की कुछ ऐसी टचिंग होती है और समझते हैं ये कार्य बहुत अच्छा है बाबा का, तो सेवा के लिए आप ही भेज देते हैं। ऐसे भी यज्ञ में एग्जाम्पल हैं। तो बाबा बता रहे हैं तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण होगा, दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत हैं, सुबह और शाम सर्विस हो सकती है, दोनों माना युगल, एक सुबह आ जाए एक शाम को आ जाए, सुबह वो घर संभाले शाम को वो घर संभाले, तो ऐसे सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। कोई कोई बच्चियां टाइम रखती हैं युक्ति से, समझती हैं दिन में कोई ना आए क्योंकि सोना चाहिए, रेस्ट चाहिए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं हैं। यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है, बहुत फायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं। कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले तो होंगे तो गला खराब नहीं होगा। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती, फिर एक जैसे भी सभी नहीं हैं, हर एक अपने अपने हिसाब से सेवा करते हैं। दिमाग बुद्धि जितना कैपेसिटी है उतनी फिर सेवा करते हैं, बाबा ने कहा एक जैसे नहीं हैं। कोई तो बहुत ऑनेस्ट हैं, जितनी सर्विस मिले उनको खुशी होती है क्योंकि एवजा भी बहुत मिलता है। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ हैं सब में आसुरी गुण, कोई भी खामी ना हो ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे, कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है, रावण की जंजीरों से सबको छूटना है और छुड़ाना भी है। पहले तो अपने जीवन बनानी है, हम बैठ जाएं तो घाटा हमको पड़ेगा। पहले तो ये सर्विस रूहानी करनी है, रूहानी सर्विस पहले करनी है। किसका भला करें, किसी को निरोगी धनवान आयुष्मान बनावें। सारा दिन ख्याल चलना चाहिए, हम बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और दिल तख्त नशीन भी होते हैं। बाबा के वो बच्चे दिल पर चढ़ते हैं जो दिल तख्त नशीन भी वो बनते हैं जो बाबा की दिल से प्यार से सेवा करते हैं। पहले बाप का परिचय देना है, बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो ऐसे पूछो। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पहचान देनी है तो बाप से लव जुटे। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ, कृष्ण तो कह ना सके, वह तो स्वर्ग का प्रिंस है। रूप बदलते जाते हैं, झाड़ पर समझाना है, ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वह है पतित नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा की वंशावली भी है, परम पिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित सो फिर पावन बनते हैं, कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। परंतु अर्थ नहीं समझते, तुम समझा सकते हो ये पतित हैं, असुल नाम ब्रह्मा नहीं है,
जैसे तुम सबके नाम बदले हुए हैं वैसे बाबा ने इनको भी अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा को। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? पहले लौकिक नाम था, फिर जब प्रवेश किया तो ब्रह्मा नाम रखा, तो नाम बदली हो गया ना। स्त्री तो है नहीं, तो ज़रूर अडॉप्ट किया। तो बाप कहते हैं मुझे इनमें ही प्रवेश करना है। प्रजापिता ऊपर तो हो न सके, यहाँ चाहिए। पहले तो यह निश्चय चाहिए मैं साधारण तन में आता हूँ। गऊ शाला नाम होने कारण बैल और गाय भी दिखाते हैं। अब गऊ को ज्ञान दिया, वह गऊ चुराई चराई माना उसको चराने ले जाते हैं ना, जैसे ये निरीक्षा। चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है, ऐसी ऐसी बातें और धर्मों में नहीं हैं जो हिंदू धर्म में और शास्त्रों में हैं। जितनी इस धर्म में हैं ये सब भक्ति मार्ग की नोंद हैं। अब तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं इस सृष्टि चक्र को जानने से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, अमर लोक में ऊंच पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। तुम यह पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे, पहले बच्चा होंगे फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तत्त्वम शिव बाबा कहते हैं जैसे ये मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। रात को जागो विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है, दिन में धंधे आदि का बंधन है। रात को तो कोई बंधन नहीं, रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर के खटिया हिलाएंगे। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मत बच्चे मददे बाप तो है ही, अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है, जिस धर्म का जितना सीजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, उतने ही फिर होंगे। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। यह नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान हैं, ये सारी विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम विश्व के मालिक हैं। ये बुद्धि में आना चाहिए तब अथाह खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहां भी सर्विस करनी चाहिए। सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज़्यादा समझना चाहते हो तो बोलो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है, समझाने का शौक नहीं रहता। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की उसकी रिजल्ट यह निकली, ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा भी खुश हो जाए। समझे तो इनको सर्विस का शौक है, कभी मंदिर में कभी शमशान में कभी चर्च में घुस जाना चाहिए। पूछना चाहिए गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं। फादर कह रहे हैं तो अंडरस्टूड हम बच्चे हो गए ना। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो जरूर हेवन ही रचेगा। कितना सहज है। आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली हैं, मनुष्यों को वैराग आएगा। शमशान में मनुष्यों को वैराग आता है, बस दुनिया की ये हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़ें। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है और सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे हैं,
वह है हद का ग्रस्त व्यवहार। ये बाबा तो बेहद का मालिक हैं, बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं ये सब का अंतिम जन्म है, बाप हीरे जैसा बनाने आई हैं, फिर तुम कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों पड़ते? सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो, दिन में कौड़ियों का धंधा करो। मना थोड़ी करता है बाबा, करो, पर सुबह शाम शिव बाबा की सेवा और बाबा को याद करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता है, याद आता रहेगा, प्रैक्टिस पड़ जाएगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे तो कोटों में कोई। आज नहीं तो कल याद करेंगे तो फलाने दोस्त ने हमको ये बात कही थी। अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है, परंतु क्या था, कैसा था, वह नहीं जानते। ये त्यौहार आदि सब संगम युग के हैं, सत्युग में तो है राजाई। हिस्ट्री सारी है संगम की, सत्युगी देवताओं को राजाई कहाँ से मिली यह भी अभी ही मालूम पड़ा है। तुम जानते हो हम ही राजाई लेते हैं और हम ही कमाते हैं, जो जितनी सर्विस करेंगे। अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है, प्रोजेक्टर भी गांव-गांव में जाएगा, ये सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी, बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी, ये ड्रामा में था, ऐसे नहीं कि क्यों हुआ, ऐसे ना करते तो ऐसा होता था, यह भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। माया कोई विकर्म ना कराए, मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। हार्ट फेल नहीं होना है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना। ये तुम्हारे ही विक्रमों का हिसाब किताब है। अब तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी नहीं आना चाहिए, ये तो 50-60 वर्ष पूर्व की मुरली है। तो संकल्प भी हमको अपने शुद्ध पवित्र पॉजिटिव बनाने हैं। योग बल से ख़त्म होगा सब हिसाब किताब, जितना योग होगा उतना ख़त्म होगा। डरना नहीं, माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। सर्विस तो अथाह है जितने भी कोई करे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे सर्विसेबल बच्चों प्रति, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। सेकंड पॉइंट, माया कोई भी विकर्म ना करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। वरदान, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भाव। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल से तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्मा संतुष्ट का सर्टिफिकेट दें, सबके मुख से निकले कि हाँ ये नंबर वन है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। 95% सर्टिफिकेट दें, 5% नहीं देंगे।
तो बाबा ने कहा वो भी चलेगा। ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया 95% सबका, तो बाप समान बन जाएंगे। स्लोगन, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। अमृत वेले की पॉइंट, यह परिवर्तन की स्मृति ही सारे दिन का फाउंडेशन है। क्या परिवर्तन? सबसे पहले हमारा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, फिर इसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। दूसरा, परिवर्तन का संकल्प करो कि मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ, मैं आत्मा हूँ पर किसका हूँ, मेरी सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियाँ किस में हैं। तो पहला परिवर्तन शरीर का, फिर दूसरा है शरीर के संबंध का। इस परिवर्तन के आधार पर ही बाप से संबंध जुड़ता है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है, शरीर का नहीं। तो जब ये पहला परिवर्तन हम करते हैं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, तो पहला परिवर्तन ही बाप से संबंध जुटाता है और सर्व प्राप्तियों का आधार बनता है। इसी परिवर्तन को सहज याद और सहज योग कहा जाता है। दिन के आदिकाल से ही परिवर्तन शक्ति का आधार पर, आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। किसके अधिकारी? जो बाप के सर्व खजाने हैं उसके अधिकारी। और बाबा के सर्व खजाने कौन से हैं? शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, समय का खजाना और दुआओं का खजाना। ये सब खजाने, सारी प्रॉपर्टी किसकी है? शुभ बाबा की है। बाबा से जब मैं आत्मा सर्व संबंध जोड़ लेती हूँ, चाहे वो पिता का संबंध है, माता का संबंध है, टीचर का संबंध है, सतगुरु का संबंध है, बाबा को बच्चा बना लो, बाबा को खुदा दोस्त बना लो, बाबा को अपनी सखी बना लो, जो भी संबंध बाबा से जोड़ेंगे उन सब संबंधों से अविनाशी प्राप्ति होगी। वो अधिकार हमारा है जो बाबा की प्रॉपर्टी है। तो बाबा ने कहा ऐसी अधिकारी आत्मा ही जो संगम युग पर सर्व संबंध बाबा से जोड़ती है, वो भविष्य 21 जन्म तो क्या, वहाँ तो तन मन धन जन सब कुछ हमारा सदा सुखी होगा। लेकिन अनुभव ये कहता है 84 जन्म ही हमें वर्षा मिलता है। लास्ट जन्म देखो, कितने अच्छे परिवार में जन्म लिया, संबंध कितने अच्छे, घर जैसा, स्वर्ग जैसा, सारे संबंधी सदा सुख देने वाले, प्यार देने वाले, स्नेह देने वाले, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। और फिर देखो तो अंत में बाबा के बन गए, बचपन से ही बाबा के बन गए। और बाबा के बन गए तो बाबा ने तो खुशियों का खजाना बच्चों के ऊपर लौटा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे सदा ही खुश रहो, प्राण जाए पर खुशी ना जाए, ऐसा तुम बच्चों को बनना है। शरीर प्राण माना, शरीर छूट जाए लेकिन आत्मा में खुशी है, वो खुशी सदा हमारी कायम रहे। ऐसी खुशी, इस प्रकार की खुशी बाबा हम बच्चों को वर्तमान समय दे रहा है, ये खजाना ही हमारे सदा साथ चलेगा। ओम शांति।